राम राम प्रसिद्ध हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जुड़ जाइएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूपी सुपर टेट क्या 2024 में आएगा, यूपी टेट कब तक हो सकता है, यूपी टेट का क्या 1/4 निश्चित रूप से जुड़ेगा, स्टेट नियमावली कब तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए लास्ट जून तक बात हुआ था लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला अभी नोटिस, क्या कब तक तैयार होगा, अभी नियमावली गया है कि नहीं गया है हमारे एक सर गवर्नमेंट के पास, ऐसा कुछ क्या है, ये चीज़ें बात करेंगे। यूपी टेट में बैठेंगे इतने बच्चे चौंक जाओगे आप बिल्कुल, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे एक डाटा कितने बच्चे बैठने वाले हैं और क्यों बैठने वाले हैं, यूपी टेट के अंग सुपर टेट में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इसके फायदे क्या होंगे, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे बच्चों। इन सब सारी बातों को जानने के लिए आप 2 मिनट हमारे साथ बस बने रहिएगा। उसके पहले एक चीज़ एक अपडेट दे देता हूँ मैं आपको, अगर आप जो बच्चे कह रहे थे सर बुक बताइए कोई, तो हम आपको सजेस्ट करता हूँ जो चक्षु प्रकाशन के बुक आते हैं, चाहे वो आप यूपी टीजीटी की, चाहे बीपीएससी टीजीटी की, चाहे केवीएस टीजीटी की, चाहे एनवीएस टीजीटी की, अगर आप किसी भी एग्जाम के टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बेस्ट बुक साबित होता है। सभी सब्जेक्ट के बुक यहाँ पर अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप फुल डिटेल जानकारी भी ले सकते हैं, वहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं, उससे बात कर सकते हैं उस नंबर पर, और सारी बातें आपको वहाँ पर बता दी जाएंगी, लेकिन फुल डिटेल आपको बेहतरीन तैयारी इस बुक के माध्यम से हो सकता है। इससे बच्चे सफलता भी पाए हैं और यहाँ पर आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा 100% मिलेगा, तो आप इसको परचेज जरूर करें और यह अमेज़न पे आपको एक तरह से अवेलेबल है। तो देखिएगा भाइयों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी सुपर टेट क्या 2024 में आएगा, इससे पहले हम आगे चलते हैं, जब आगे चलते हैं तो हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए कि भाई यह जो यूपी टेट का 1/4 निश्चित रूप से लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके पहले भी हम नियमावली की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे छोड़ो, नियमावली में ही अगर संशोधन होगा ऐसा 1/4 यूपी टेट का लगने वाला है तो ही ऐसा कुछ हमारे सामने देखने को मिलेगा, अन्यथा के कंडीशन में पिछले बार जैसा होता था वैसे ही एग्जाम होंगे, आपको पासिंग मार्क्स ही लाने होंगे। अन्यथा कंडीशन में अगर ऐसा होता है 1/4 जुड़ता है तो बहुत बढ़िया बात होगी, बच्चे पहले से प्रिपेयर करना शुरू हो जाएंगे और यूपी टेट में अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे, यह होना चाहिए हमारे समस्या। आपकी समस्या क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ना ही नियमावली अभी बना है, नियमावली में संशोधन होगा बच्चों, संशोधन कितनी बार होगा आप समझ नहीं सकते, हो सकता है 3 से 4 बार होगा, 3 से 4 बार होता है संशोधन, आपका गवर्नमेंट वापस करती है 3 से 4 बार संशोधन के लिए आयोग को, तो समझ लीजिए ये 6 से 7 महीने लगने वाले हैं नियमावली बनने में। जैसे आपने देखा था जो शिक्षा चयन आयोग है 5 साल लगा था, उसमें कई बार संशोधन हुए थे, मतलब कि अनगिनत बार संशोधन हुए थे कहा जा सकता है, इसको आप कैसे काउंट करेंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर हम बात करें यूपी टेट में कितने बच्चे बैठेंगे, तो इसका एक वजह और हो सकता है मैक्सिमम बच्चों बैठने का कारण यह हो सकता है कि पहले तो 3 साल से पेपर नहीं हुए हैं, और दूसरी तरफ यह है कि 1/4 निश्चित रूप से अगर लग जाएगा बच्चों तो समझ लीजिए क्या कि आपकी संख्या जरूर बढ़ जाएगी, और जो बच्चे दिए हैं पेपर जो पास केवल हुए हैं वो भी नंबर पाने के लिए, अधिकतम नंबर पाने के लिए यूपी टेट जरूर देंगे, निश्चित रूप से देंगे, इस वजह से इसकी संख्या बढ़ सकती है। हो सकता है कि हर बार से 10 गुना 4 गुना 6 गुना हो जाए, क्योंकि एक साथ बच्चे सारे देंगे और जूनियर में तो बीएड वाले भी रहने वाले हैं, इस वजह से और संख्या जूनियर में बढ़ने वाली है ना। और यूपी टेट अंक स्टेट में जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं, देखिए फायदे यह हैं कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे और सुपर टेट के लगभग 60% तैयारी हो जाएगी आपकी। और एक बात और है, बच्चे जो पासिंग मार्क्स के लिए होर्डिंग करते थे कि मैं पास सर कितना है और प्लस जनरल का 90 है, SC ST OBC का सर 82 है, तो इस सब में जो विवाद होता था वह सारी चीज़ें नहीं रह जाएंगी, सभी बच्चे मैक्सिमम मार्क्स लाने के होड़ में होंगे, है ना। यह चीज़ें अब बात कर लेते हैं यूपी सुपर टेट कब तक हो सकता है, 2024 में होगा या फिर नहीं होगा बच्चों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं अभी ऐसा कुछ न्यूज नहीं है कि यूपी सुपर टेट जो है 2024 में ही होगा, क्योंकि इसकी बात ही नहीं चली, चर्चा ही नहीं हो रहा है प्रशिक्षुओं और सारे एग्जाम्स के सारे जो एक तरह से रिक्त पद हैं, है ना, आप देख रहे होंगे 13,000 कहां कहां रिक्त करके जोड़कर बनाया जा रहा है, इस तरह से बहुत सारे पदों पर तो बात हो रही, लेकिन शिक्षक के लिए शिक्षक जगत में कुछ बातें नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें साफ साफ हम ये दे सकते हैं कि अभी कुछ चर्चा ना होने के कारण इसमें विलंब स्वाभाविक है, पहले यूपी टेट होगा तब जाके सुपर टेट होगा, यह भी निश्चित ही है। और यूपी टेट जो नोटिफिकेशन है मेरे भाई, आपको जुलाई के इंड तक देखने को मिल सकता है, या एक तरह से पॉसिबिलिटी हम आपको बता रहे हैं, ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। धन्यवाद, अगर आप जुड़े हैं चैनल से बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं।